हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, मार्केट के अंदर जहां मार्केट खुली थी तो रिकवरी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद से मार्केट एकदम से गिर गई और सीधा सीधा असर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल चुका होगा। बात करेंगे आज इस वीडियो में साधना ब्रॉडकास्ट की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है, ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी इस चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूं। और आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। तो साधना ब्रॉडकास्ट में आज फिर से जो है एक अपर सर्किट लगा हुआ है 4.95% का, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग भी जारी है। ऐसी बात नहीं कि अपर सर्किट लगा है तो सेलिंग नहीं जारी है, यहाँ पे स्टॉक्स जो है वो लगातार सेल किए जा रहे हैं। 95 पैसे की तेजी है, स्टॉक 20 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, लास्ट क्लोजिंग 19 रुपये 20 पैसे पे थी। और अगर मैं 5 दिन के रिटर्न्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 6.70% तक की करेक्शन साधना ब्रॉडकास्ट में हम देख भी चुके हैं। यानी कि यहाँ पे जहाँ 4 दिन के लोअर सर्किट लगे और आज जाके स्टॉक में सर्किट खुला है, क्योंकि कल के दिन में एक अच्छी खासी सेलिंग बाइंग देखने को मिली थी, सर्किट बीच में पंप किया गया था। एक महीने के रिटर्न्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 22% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न साधना ब्रॉडकास्ट ने दिए हैं। यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पैनी शेयर्स होते हैं उनके अंदर ऑपरेटर्स जो हैं वो ज्यादा ऑपरेटिव होते हैं, तो अपना एक विजन जरूर बनाइए कि पैनी शेयर्स में ही सारा का सारा पैसा आप लोगों को नहीं इन्वेस्ट करना है, और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करना है, पैनी शेयर्स में करना है, लेकिन ठीक ठाक अमाउंट में, इतना कि भी अगर नुकसान भी हो इन फ्यूचर तो आप उसको बियर कर पाए। ये नहीं कि सारा का सारा पैसा सिर्फ पैनी शेयर्स में लगा दीजिए और ताकि आप सोच रहे हैं कि एकदम से ये स्टॉक भागेगा और आपको बहुत बढ़िया पैसा बना के दे देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप इसका 6 महीने के चार्ट को देख के रिटर्न्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 706 यानी कि 700% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स साधना ब्रॉडकास्ट ने अभी तक लास्ट के 6 महीने के अंदर बना के भी दिए हैं। जितना जल्दी ये रिटर्न्स बनाने की कोशिश में लोग इन्वेस्ट करते हैं इन स्टॉक्स के अंदर, उतना ही जल्दी इनके अंदर नुकसान भी खा बैठते हैं। क्योंकि 6 महीने के अंदर कोई कंपनी अगर 700% के रिटर्न देगी तो चलो किसी ने तो ठीक है, अच्छा मौका मिला होगा, किसी ने इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया भी होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो है ना रिटेल इन्वेस्टर्स जो ऊपरी स्तर पर जाके बाई करते हैं और फिर लगातार लोअर सर्किट की मार में अच्छा खासा नुकसान कर बैठते हैं। आज का वॉल्यूम ऑलमोस्ट 23,78,247 का जो है आज का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और अगर मैं जो बाइंग प्रेशर है उसकी बात करूं तो ऑलमोस्ट 21,52,148 शेयर्स इस टाइम हमें बाइंग क्वांटिटी में भी देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप इस कंपनी का 202 करोड़ का है, पी जो है 143.93 है, ओवरबोट कंडीशन में है इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 1.45 रुपये की, और ईपीएस जो है 0.14 का देखने को मिल रहा है, सेक्टर पी 22.20 का है। आरएसआई लेवल की बात करूं तो ऑलमोस्ट जो है 45 पॉइंट्स के अराउंड आरएसआई लेवल देखने को मिल रहा है, और 40 पॉइंट्स के अराउंड जो है हमें रिलेटिव वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी देखने को मिल रहा है। सुपर ट्रेंड और अगर मूविंग एवरेज की मैं बात करूं तो दोनों ही चीज़ें जो है हमें अबव ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, तो यानी कि यहाँ पे एक थोड़े से रिकवरी के चांसेज जो है साधना ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट लेवल पे आ चुका था और वहां से हो सकता है कि एक दो दिन की टेम्परेरी बेसिस पे तेजी हो और उसके बाद फिर से रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करके फिर से स्टॉक में लोअर सर्किट ही देखने को मिल जाए। तो ये चीजें बड़ी सावधानी से रखने की होती है, क्योंकि यहाँ पे पैनी शेयर्स में कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। अब कल का ही वॉल्यूम देखिए आप, कल जो है अच्छे खासी सेलिंग हुई थी, और कल की ही डेट में यहाँ पे देखिए कि 13 सितंबर को इन्हीं पर्सन्स ने, यानी कि मल्टीप्लायर शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड करके कोई फर्म है, उन्होंने पहले 26 रुपये 14 पैसे पर ऑलमोस्ट 10 लाख शेयर बेचे, और उसी दिन जो है इन्होंने परचेज भी किए थे 11,34,142 शेयर 23 रुपये 91 पैसे के भाव में, और 20 सितंबर को कल के दिन में इन्होंने ही ऑलमोस्ट 8 लाख शेयर 19 रुपये 15 पैसे के भाव में सेल किए, और कल ही जो है 8 लाख शेयर्स 18 रुपये 60 पैसे के भाव में बाई भी किए। तो यहाँ पे यही होते हैं ऑपरेटर्स जो बल्क में बाई करते हैं, स्टॉक को मैनिपुलेट ही यहीं से होती है, मैनिपुलेशन एक्चुअल में यहीं से होती है। रेजिस्टेंस लेवल 20 रुपये 27 पैसे, 21 रुपये 33 पैसे और 22 रुपये 17 पैसे का है। वहीं अगर मैं सपोर्ट लेवल्स की बात करूं तो पहला सपोर्ट 18 रुपये 37 पैसे, सेकेंड सपोर्ट 17 रुपये 53 पैसे और थर्ड सपोर्ट 16 रुपये 47 पैसे का है। प्राइस परफॉर्मेंस एक वीक एक मंथ की नेगेटिव है, बाकी एक मल्टीबैगर स्टॉक की तरह ऑलमोस्ट एक साल के अंदर 1895 ऑलमोस्ट 1900% तक के रिटर्न्स भी दिए। कल का वॉल्यूम 44 लाख का था जिसमें से ऑलमोस्ट 55% की डिलीवरी थी, और आज का वॉल्यूम ऑलमोस्ट 24 लाख के आसपास का ट्रेड हो चुका है। कम्युनिटी सेंटीमेंट 75% बाय की कॉल आ रही है और 25% यहाँ पे सेल की कॉल देखने को मिल रही है। अगर प्रमोटर स्टेक देखें तो ऑलमोस्ट 41% जो है प्रमोटर का स्टेक्स है, 59% यहाँ पे हमें पब्लिक का स्टेक देखने को मिल रहा है साधना ब्रॉडकास्ट में। इसके क्वार्टर वन के
नंबर्स ठीक ठाक आए थे, और उसके अपोजिट एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं फिर से कि हो सकता है कि टेम्परेरी बेसिस पे सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने के लिए सर्किट खुला हो, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स फिर से बाई करें और फिर से स्टॉक को डंप कर दिया जाए यहां पे, क्योंकि स्टॉक की कंडीशन ऐसी है जाने को फिर से ऊपर लेके जा सकते हैं ऑपरेटर्स, और गिराने को स्टॉक को 10 रुपये तक भी ऑपरेटर्स गिरा सकते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।